हाय स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। ये एक और एपिसोड है महाराष्ट्रीयन स्पेशल रेसिपी का। आज हम बनाने वाले हैं मालवनी चिकन सूखा। तो आइए देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री। यह चिकन मैंने पहले से ही अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर मैरिनेट करके रखा हुआ है। चिकन को हल्दी पाउडर के साथ उबाल कर रखा हुआ है। बारीक कटी हुई प्याज, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन की पेस्ट, हरा धनिया सजावट के लिए, हल्दी पाउडर, नमक, यह है मालवनी मसाला। यह आपको किसी भी दुकान में मिल सकता है। यह है कसा हुआ सूखा नारियल, यह खड़ा कटा हुआ प्याज, यह गरम मसाले हैं, सबूत गरम मसाले जिसमें है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी के टुकड़े और ये है जायफल, थोड़ा सा तेल, पानी और यह है लेमन जूस। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को गर्म करते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं। एक बार तेल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा ये तेल डालेंगे, थोड़े से तेल में ये सुनहरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग सुनहरा हो रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए था। बहुत कम तेल डाला है हमने। अब हम इसमें सबूत मसाले डालेंगे, जैसे कि 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े। इस मसाले से आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैं इसमें सूखा नारियल डालूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। मैं इसमें थोड़ी सी जायफल डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि नारियल अच्छी तरह से भून जाए। सूखा नारियल अच्छा होता है गीले नारियल की तुलना में, इस तरह से करी में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सुनहरा हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी और फिर इसकी पेस्ट बनाऊंगी। हम इसे बाजू में निकाल कर रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं पेस्ट बनाने के लिए, ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और इसी बीच हम अपनी अगली चिकन की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तेल डालने वाले हैं 2 से 3 टेबलस्पून। जब तक तेल गर्म होता है मैं ये मिक्सचर प्याज और नारियल का मिक्सर के बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सर में इसकी पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब पेस्ट तैयार हो चुकी है और तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनने वाली हूँ। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से पक जाए और ब्राउन भी हो जाए। हमारी पेस्ट भी तैयार हो चुकी है। प्याज को अच्छी तरह से हिलाते रहिए जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। ये सुनहरा हो रहा है, ये एक अनोखा मालवनी सूखा स्वाद देगा इस चिकन को। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, अब मालवनी मसाला इसमें डालेंगे। अब इसमें उबला हुआ चिकन डालेंगे। चिकन पहले से ही पक चुका है तो और ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये मसाले अच्छी तरह से चिकन में, ये मसाले घुल मिल जाएं और अच्छी तरह से चिकन को लग जाए। अच्छी तरह से हिला लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि ये जले ना। नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस 1 चम्मच। अब हम इसे ढककर रखने वाले हैं 2 से 3 मिनट तक ताकि सारा मसाला चिकन में लग जाए। अब ये मिक्सचर चिकन में अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पेस्ट जो हमने पहले बनाकर रखी हुई थी और इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसे अच्छे से ढककर रखिए और धीमी आंच पर रखिए जब तक तेल ना छूट जाए। अब चिकन चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि तेल किस तरह से छूट रहा है कढ़ाई में। ये ड्राई आइटम है, आप इसे चावल के साथ, चपाती और भाकरी के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारा चिकन हमने पहले ही पका लिया था, तो मसाला भी हमने पहले से बना कर रखा हुआ था। यह डिश खाने के लिए तैयार है। अब चलिए गैस बंद करते हैं। इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे गार्निश करने के लिए, एक नींबू रखेंगे और ये बहुत ही अनोखा स्वादिष्ट चिकन मालवनी सूखा खाने के लिए तैयार है।